जब भी तन्हाई में मेरे संग उसकी 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 यादें रहती हैं। चांद सितारे आगे पीछे कदमों में अंबर चलता है। दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहां फकीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। बहुत जुड़कर सुनिएगा, यहां से मैं कैसेट की बी साइड आपको सुना रहा हूं। कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। और विजय मैं सच बताता हूँ, एक कार्यक्रम होता है ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून में, ये शंभू मेरे साथ गया है वहाँ और ऑनलाइन किया था इस बार। वहाँ के जो कुलपति हैं कमल घनश्याला जी, उन्होंने ये मुक्तक यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक स्थानों पर बोर्ड पर मेरे नाम के साथ लगवाया। मैंने जब ये सुनाया था तो उन्होंने कहा कि प्रवीण भाई ये पंक्ति हर बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा दबाव है। अपने अपने घरों से बड़ी बड़ी सफलताओं के लिए सब निकले हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी, बस ये याद रखना है। जाने कितने अनुभवों को, जाने कितनी मुश्किलों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। कई बार ये कहा जाता है, एक प्रश्न का लगातार हम सामना करते हैं। ये सब कवि सम्मेलन के लोग हम सब मुस्कुराहटें बांटते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कई बार मिल जाता है। पत्रकार प्रश्न करते हैं, इन कविताओं का कोई प्रभाव पड़ता है किसी पर पड़ा है, या बस ये कविता हो गई और प्रोग्राम हो गया, बात खत्म। दोस्तों मैं ये मानता हूं कि 1% नहीं 100% प्रभाव पड़ता है, 100% पड़ता है, बशर्ते कि कहने वाला उसे होठों से नहीं यहां से कहे, और सुनने वाला उसे यहां से नहीं यहां से सुने, तो फर्क पड़ता है। चार पंक्तियां, मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ कमल, ये सच्ची घटना है। मैंने कल किसनी में मैं था, जिस कवि की पंक्तियां हैं उसके शहर में था, और मैंने वहां भी दोहराई। मेरे बड़े भाई निर्दोष शर्मा साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, और वो जानते हैं मेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी के सारे पन्ने उनके पलटे हुए हैं। मैं आपसे कुछ समय पहले घर से निकलता था, सुबह कई बार शताब्दी पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो अपनी पत्नी को बोलकर आता था, वो मुझे तीसरी मंजिल पर रहता हूँ नीचे छोड़ के जाती थी। लेकिन ये चार पंक्तियां मैंने सुनी और मेरी जिंदगी में भी एक बदलाव आया। बलराम श्रीवास्तव ने कहा कि माँ भारती के संस्मरण भूल गए हैं, मूल्यों का हो रहा है चरण भूल गए हैं, घर से चले तो प्रिय के मुख को चूम लिया पर छूने को अपनी माँ के चरण भूल गए हैं, छूने को अपनी माँ के चरण भूल गए हैं। तो मैं सच बताता हूँ, 8-10 वर्ष पहले ये पंक्ति सुनी थी मैंने, उस दिन के बाद से नियम बना लिया कि कवि सम्मेलन की यात्रा पर जाऊंगा, तो पिताजी जब तक थे उनको या माँ जब तक थी उनको बताकर जाऊंगा कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, चाहे सुबह के 4 बजे दरवाजा खटखटाकर बोलो। तो मुझे लगता है ये कविता का प्रभाव है। चार पंक्तियां सुनिएगा, मेरी खुद की हैं। जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, समाज कैसे अच्छा हो सकता है, क्या हो सकता है, बस ये है कि हम शब्दों को दिल में उतारें। कहता हूं कि जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता कोई गम में भी मुस्काए, रहे दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए। बस ये समझ जाइए, बाकी तो देखिए फिर आपके आसपास के लोग भी सुंदर लगेंगे और आपको खुद को भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अंतिम एक रचना सुना देता हूँ। अभी इसने भोलेनाथ ने कहा कि ये भैया थके हुए हैं, ये मोहब्बत से भैया बोलता है मुझे, लेकिन मैं थकता नहीं हूँ मैं थकता नहीं हूँ, मुझे ऊर्जा मिलती है। थकान तो तब होनी चाहिए दोस्तों जब कोई काम नहीं है, यदि कोई अच्छा मिशन है तो आपकी यात्रा तो फिर उसमें ऊर्जा देती है। और सुनिएगा मेरा एक गजल का मुखड़ा इन दिनों बड़ा लोकप्रिय हो गया, ये मुझे भेजा किसी ने, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया अपने ट्विटर पर, मुरारी बापू ने बहुत सारी कथाओं में कोट किया, अभी मेरे मोबाइल में ही पड़ा हुआ है। वो गौरव कृष्ण जी जो कथावाचक हैं, उन्होंने भी अभी किसी कथा में सुनाया,
मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ पाने के बाद अब इस भोलेनाथ के पास क्या कमी है, दो दो फ्लैट का मालिक है, टेलीविजन पर आता है और तमाम दुनिया में जाता है। अमिताभ बच्चन 76 वर्ष की उम्र में कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर काम करते हैं, तो क्या शोहरत का पैमाना है, क्या दौलत का पैमाना? नहीं, वो कुछ और है। वो क्या है जिसके लिए आदमी काम करता है, सुनिएगा। और बहुत आपका आपका मन चाहूंगा, मेरे मन की पंक्तियां हैं, कहता हूं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं, आशीर्वाद चाहूंगा। देखिए मैं मन की गजल सुना रहा हूं, अचानक याद आ गई। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का। आप कवि सम्मेलन में जाते हैं 15 घंटे की यात्रा करके, मुस्कुराते हुए उतरते हैं तो आपके प्रशंसक कहते हैं आपकी इसी मुस्कान का फैन हूं मैं। तो उसे मतलब नहीं है आप कौन सी यात्रा करके आए हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने जाने किस किस का, जाने 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 किस किस का हौसला हूं मैं। और एक शेर सुनिएगा, अलग अलग राजनेताओं के चरित्र अपने अपने हिसाब से आप आपको समझ में आ जाएंगे, नाम किसी का नहीं है। जाने जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। और आप में से बहुत सारे लोग मोहब्बत में होंगे या मोहब्बत में हो जाएंगे। मोहब्बत तो एक दिल की आवश्यक सी मांग है, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कुछ मत कहिएगा, ये दो पंक्तियां कह दीजिएगा मेरी तरफ से, आपकी मोहब्बत 10 गुना ना हो जाए तो मुझसे बात कीजिएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे किस काम के हैं चारागर, मतलब डॉक्टर वैद्य हकीम जो भी नाम दें, तेरे किस काम के हैं, किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। हाय हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। और एक शेर में शंभू के नाम करता हूं कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर 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 रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं, जानते हैं। थोड़ी सी तालियां ज्यादा बजा दीजिए, मैंने कहा कि मुस्कुराहट आप रखिएगा तो बहुत सारे गम चले जाएंगे। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। और फिर मेरी पसंद का शेर सुनिएगा आप। मैं इधर विजय की तरफ इशारा कर दूं तो ये इनके लिए हो जाएगा, पद्मिनी की तरफ इशारा कर दूं तो इनके लिए हो जाएगा, और ऊपर इशारा कर दूं तो ईश्वर अल्लाह गॉड यीशु नानक जो भी नाम दें आप उसे सुनिएगा, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे भी आप प्यार करते हैं, माँ पिता कुछ किसी कुछ भी कहिएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, सबसे कह दे। विजय से पूछिए कि कहां रहते हो तो इन्हें बता देना चाहिए कि प्रवीण शुक्ल के यहां खिड़की खोलो, उस डाक खाने में रहता हूं। सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अंतिम शेर सुनिएगा कि तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं,
तेरी मंजिल का रास्ता हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। आप इजाज़त दें तो एक छोटी सी रचना और सुना दूँ आपको, तो इजाज़त तो दी जाती है, सुनिए। इसी तेवर की एक रचना और सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरी प्रिय रचना है। सीधे सीधे सुनाता हूँ, अब भी अनुवाद नहीं करूँगा, आप समझेंगे केवल। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। जो लोग बहुत दूर दूर से हैं दिल्ली में, घर से दूर किसी भी मिशन के कारण, उनके साथ ये होता होगा कि कमल लखनऊ अपने साथ लेकर घूमता नहीं घूमता है। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि प्रवीण, ये जो तुमने काफिए का प्रयोग किया कुछ अलग ढंग से हुआ है, मतलब नहीं देखना कि जब भी तन्हाई में मेरे संग उसकी यादें रहती हैं, जब भी तन्हाई में मेरे संग उसकी 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 यादें रहती हैं, चांद सितारे आगे पीछे कदमों में अंबर चलता है। चांद सितारे आगे पीछे कदमों में अंबर चलता है। और अब तक की सर्वाधिक तालियां अगले शेर पर मैं चाहता हूं, बहुत मन चाहूंगा आपका, कि चांद सितारे आगे पीछे कदमों में अंबर चलता है, दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहां फकीरी जी ली। बहुत आशीर्वाद देना दोस्तों। दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहां फकीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। इन दो लालचों को अपने दिमाग से उतारकर एक कोने में गठरी बनाकर रख दीजिए, आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। बस ये कहता हूं कि दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहां फकीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। मानवता के लिए जिए जो गांधी गौतम ईसा बनकर, उनके संदेशों के पीछे एक पूरा लश्कर चलता है। उनके संदेशों के पीछे एक पूरा लश्कर चलता है। और फिर शेर सुनिएगा कि काम करोगे अगर अदब में, तुमको सदियां याद रखेंगी। आज 500 वर्ष बाद तुलसी की पुस्तक लेकर 24-24 घंटे तक लोग उसका पाठ कर रहे हैं। आज गालिब कबीर कितने, इनके बाप दादाओं के नाम पता है, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए वो, लेकिन नहीं, वो लिटरेचर के रूप में जिंदा है। इसलिए कहना चाहता हूं कि काम करोगे अगर अदब में, काम करोगे अगर अदब से, तुमको सदियां याद रखेंगी। बेअदबी से सात पीढ़ियों तक कब किसका जर चलता है। बेअदबी से सात पीढ़ियों तक कब किसका जर चलता है। और अंतिम दो शेर सुन लीजिए कि जिसने मेरे मुंह पर मेरी तारीफों के फूल बांधे हैं। कुछ चेहरे आपको आसपास दिख जाएंगे, आपके जिंदगी के आसपास, जिसने मेरे मुंह पर मेरी तारीफों के पुल बांधे हैं, जरा पीठ फिरते ही उसका पीछे से खंजर चलता है। जरा पीठ फिरते ही उसका पीछे से खंजर चलता है। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। और अंतिम शेर सुनिएगा, इस शेर को कहने के लिए मैंने अब तक का काव्य पाठ किया। मुझे लगता है कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा जब इस धरती पर, लेकिन ये मेरी दो पंक्तियां जिंदा रहेंगी। मैं पूरे मंच को, डाइस को, आपकी संस्था को, साहित्य संस्कृति को आप सबको सौंपता हूं और आपकी मोहब्बतों के साथ विदा चाहूंगा। विजय इसी प्रकार इस मिशन को आगे बढ़ाता रहे। अंतिम पंक्ति सुन लीजिएगा, कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। दौलत और ताकत के दम पर खुद को खुदा समझ बैठे जो, दौलत, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूंगा दोस्तों, दौलत
और ताकत के दम पर खुद को खुद को खुद को खुदा समझ बैठे जो, भूल गए वो जर्रा जर्रा उसकी मर्जी पर चलता है। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूँ तो मेरे भीतर घर चलता है। दौलत और शौहरत एक तरफ रख, जिसने यहाँ फकीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।